रोटेशन ड्रैग करना सिखा दो प्लीज भाई। भाई पिछले कुछ दिनों से ना इस टॉपिक पर इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे ना कि बस पूछो मत। तो भैया देखो, इस वीडियो में ना तुम्हारा भाई तुम लोगों को यही बताएगा एंड सिखाएगा एंड समझाएगा कि आखिर आपने रोटेशन ड्रैग को सही तरीके से किस तरह से करना है, ठीक है। और यही बताऊंगा कि आखिर आपने रोटेशन ड्रैग का दोनों प्रोसेस में, आई मीन इस प्रोसेस में और इस वाले प्रोसेस में, किस तरह से यूज करना है। और एक चीज और बताऊंगा कि भैया आपने रोटेशन ट्रैक को कहां पर यूज करना है ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट मारने के लिए। तो भैया देखो, ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एंड यहां पर एक चीज और बता दूं कि अगर आपने रोटेशन ट्रैक के बारे में एक एक चीज सीखनी है ना, तो भाई मेरी ना एक एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आप टाइम बिल्कुल भी खराब ना करते हुए सीधा बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। लेकिन लेकिन भैया रुको, थोड़ा सबर करो भाई। तुम्हारे भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया। देखो, अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो एंड उसके पास में एक बेल वाला आइकन आएगा बन करके, उसको ऑल पर सेट कर देना, ठीक है। और आप अगर ये नहीं करते हो ना तो भैया काम बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो आपने भैया इस काम को पूरा करना है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और कुछ नहीं, चलो बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। तो भाई लोग देखो, रोटेशन ड्रैग को सीखना थोड़ा आसान बैठ जाता है, लेकिन सीखने के बाद रोटेशन ड्रैग का फायदा उठाना ना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, और उसी मुश्किल चीज को थोड़ा आसान करने के लिए एक ट्रिक है, सेंसिटिविटी। भाई देखो, जब तक सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होगी ना, तो भाई रोटेशन ड्रैग अच्छी तरह से काम नहीं करता, ठीक है। सो देखो, आपने सेंसिटिविटी में जो जनरल वाली सेंसिटिविटी होती है ना, उसको तो फुल ही रखना है, ठीक है। एंड उसी के नीचे रेड डॉट वाली भैया, उसको भी फुल ही रखना है। एंड यहाँ पर देखो, आप लोग इतने टाइम से मुझे देख रहे हो और आपने नोटिस करा होगा कि भैया मैं जो ना अपनी सेंसिटिविटी को फुल ही रखता हूँ, रेड डॉट वाले को भी और जनरल वाले को भी। और भैया बता दूँ, देखो उसका रीजन ये है कि भैया तुम्हारे भाई का ना हर एक ड्रैग अच्छी तरह से काम करता है फुल सेंसिटिविटी में, और सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है रोटेशन ड्रैग। अच्छा, तो मैं इसलिए अपनी सेंसिटिविटी को फुल रखता हूँ, तो आपने भी इन दोनों को फुल रखना है, ठीक है। तो भैया देखो, अब बात करते हैं कि आखिर रोटेशन ड्रैग होता क्या है या फिर किया किस तरह से जाता है, ठीक है। सो गाइस देखो, जब हम अपने फायर बटन को किसी भी साइड से घुमा करके ऊपर की तरफ को लेकर के जाते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा करके, तो हम उसी को रोटेशन ड्रैग बोलते हैं। जैसे कि मैं अपने फायर बटन को राइट साइड से घुमा करके ऊपर की तरफ को लेकर के गया, तो हम इसको रोटेशन ड्रैग बोलेंगे। और या फिर मैं अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड से टेढ़ा मेढ़ा करके ऊपर की तरफ को लेकर के गया, तो भैया इसको भी हम रोटेशन ड्रैग ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स की कि आपने इन दोनों प्रोसेस में रोटेशन ड्रैग का बिल्कुल अच्छी तरह से किस तरह से यूज करना है। सो गाइस देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोसेस की। तो भाई लोग देखो, जब आप इस प्रोसेस में रोटेशन ड्रैग करने के लिए जा रहे हो ना, तो भैया देखो, आपने जब तक कोई सा बटन नहीं दबाना है तब तक कि आपका ड्रैग कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और आप यहीं पर गलती करते हो, आप जैसे ही मतलब फायर बटन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो ना, उससे पहले ही ना भैया आप मतलब सारे बटन्स पर एक्शन ले लेते हो, मतलब ड्रैग होने से पहले ही बटन दबा देते हो, जिससे कि भैया आपका ड्रैग भी नहीं हो पाता। सो आपने ऐसा नहीं करना। आपने यहां पर, आप मुझे देखो भैया, मैं जब तक कोई सा भी बटन नहीं दबा रहा हूं तब तक कि मेरा ड्रैग नहीं हो रहा है, और जैसे ही मेरी गन से गोली निकल रही है ना, उसी के फौरन बाद ही जो है ना मैं अपनी गन को छोड़ करके भाग जा रहा हूं, ठीक है। सो आपने ऐसा ही करना है, और आप ऐसा ही करोगे ना तभी आपका रोटेशन ड्रैग अच्छी तरह से काम करेगा। क्योंकि भैया देखो, रोटेशन ड्रैग पूरा होता है यहां पर, मतलब पूरा ड्रैग होता है, और पूरा ड्रैग होता है तो भैया हेडशॉट लगता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो गाइस देखो, गन निकालनी है, ड्रैग पूरा करना है, गोली जैसे ही निकल जाए फौरन उसके गन छोड़ करके भाग जाना है, ठीक है। तो देखो यार, अब बात करते हैं इस दूसरे प्रोसेस की, आखिर आपने इसमें रोटेशन ड्रैग का सही तरह से किस तरह से यूज करना है, ठीक है। और इसको तो भैया आप जानते ही हो कि यार फर्स्ट वन टैप हेडशॉट मारने का सबसे मेन जरिया यही प्रोसेस है, ठीक है। सो भैया देखो, इस प्रोसेस में रोटेशन ड्रैग को यूज करने के लिए आपने सिंपली से गन निकालने के बाद जंप करना है, ठीक है। और जैसे ही करेक्टर जमीन पर टिके, उसके फौरन बाद आपने ड्रैग को पूरा करना है, ठीक है। आई मीन रोटेशन ड्रैग को पूरा करना है, और जैसे ही रोटेशन ड्रैग पूरा होने के बाद गन से गोली निकल जाए ना, आई मीन गोली निकल जाए, उसके फौरन बाद गन छोड़ देनी है, भाग जाना है, ठीक है। इसी तरह से करना है। और मेरे कहने का जो सबसे मेन तात्पर्य है ना, वो ये है कि आप चाहे कोई सा भी प्रोसेस
प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, चाहे पीक कर रहे हो या फिर स्पीड कर रहे हो, आपने पहले ड्रैग को पूरा करना है। ड्रैग को तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रैग को पूरा नहीं करोगे तो भैया हेड शॉट भी नहीं लगेगा, ठीक है, बॉडी शॉट ही लग के रह जाएगा। तो भाई लोग देखो, यही है रियल रोटेशन ड्रैग। और यहां पर एक चीज और बता दूं कि भैया काफी सारे बंदों से ना रोटेशन ड्रैग करना आता भी है, ठीक है, लेकिन भैया रोटेशन ड्रैग से जब उनका हेड शॉट नहीं लगता ना, तो भैया वो सोचते हैं कि यार ये रोटेशन ड्रैग नहीं है, ठीक है। गाइस देखो, रोटेशन ड्रैग वो रियल होता है, लेकिन भैया आपको ना उसको अच्छी जगह पर यूज करना नहीं आता। सो गाइस देखो, अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिर आपने रोटेशन ड्रैग का कहां पर यूज करना है और किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो भैया देखो, जब आप शॉटगन यूज कर रहे हो, और आप तो जानते हो कि शॉटगन लॉन्ग रेंज में बहुत ज्यादा कम काम करती है, ठीक है। सो गाइस देखो, जब आप शॉटगन को शॉर्ट रेंज में यूज कर रहे हो, वहां पर आपने रोटेशन ड्रैग का ज्यादातर यूज करना है। आई मीन भैया शॉटगन में ना आपने रोटेशन ड्रैग का ही ज्यादा यूज करना है। और आप यहां पर देख लो यार, किस तरह से पेल रहा हूं मैं रोटेशन ड्रैग से शॉटगन से शॉर्ट रेंज में, देख रहे होंगे, ठीक है। और भैया देखो, मैंने ये नोटिस कर लिया है कि शॉटगन में ना रोटेशन ड्रैग ही ज्यादा काम करता है, और ओनली रेड नंबर्स पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ड्रैग स्पीड बता दूं, तो भैया ड्रैग स्पीड आपने नॉर्मल रखनी है, ठीक है, फास्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। फास्ट करोगे तो भैया रिकॉयल होने में ना टाइम ना लगता बिल्कुल भी, आपने ड्रैग को नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो देखो यार, अब बात करते हैं अगली चीज की, जो की है रोटेशन ड्रैग को जल्द से जल्द सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो भाई लोग यहाँ पर देख लो कि मैं प्रैक्टिस किस तरह से कर रहा हूं। गाइस देखो, और आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और भैया मानो या ना मानो, अगर आपने इस तरह से एक दिन भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली ना, तो यार आपको ना रोटेशन ड्रैग में परफेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, सिवाय आपके घर वालों के। तो भाई लोग, यही था रोटेशन ड्रैग का फुल प्रोसेस, ठीक है। आई होप कि भैया सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे प्रोसेस को समझ चुके होंगे। तो भाई लोग, अपनी इस वीडियो का सफर सिर्फ यहीं तक था। तो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। थोड़ा रुको, अभी बोलोगे अरे बापरे, अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में।